सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा 27th ऑफ अप्रैल में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं फ्राइडे के सेशन में। और अब एक्सपायरी नई शुरू हो गई है मई की, तो मई में एक्सपायरी में हमें कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए, कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कल जरूर बताऊंगा, क्योंकि कल हमें मोमेंटम जरूर देखना होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहला दिन जो एक्सपायरी शुरू हो रही है क्या मोमेंटम रह सकता है। तो कल मार्केट को वॉच करेंगे, परसों से आपको मैं पूरे चार्ट्स में एक्सप्लेन करके रणनीति बताऊंगा और आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या रेंज बन सकती है इस पूरे महीने के अंदर। उस हिसाब से मैं आपको अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करते रहूंगा आपके साथ और फ्यूचर्स भी आप बाय कर सकते हैं। तो आज के पहले बात करें कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स, तो SBI लाइफ, पेट्रोनेट एलएनजी, एस्कॉर्ट्स, इक्विटास, एक्सिस बैंक, ये पांच स्टॉक्स हैं बायो सेल की साइड में। SBI लाइफ सेल करने की सलाह दी जाएगी, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था, कल की वीडियो में नहीं पर पिछले से पिछली वीडियो में बताया भी था और सजेस्ट भी करा था GIC लाइफ इंश्योरेंस। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि SBI लाइफ इंश्योरेंस को आपको सेल करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत टाइम से मोमेंटम देखा था। मैंने आपको कहा था कि उस दिन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक ऊपर जा सकती है और सारी कंपनीज ऊपर गई थी और अभी तक ऊपर जा रही थी और अच्छे खासे रिटर्न आपको दे दिए होंगे उन्होंने। पर अब मैं आपको उसमें सेल करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं, जो रिजल्ट आ चुके हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में अगर हम देखें मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करें तो लोग यही सोचते हैं कि न्यूज़ अच्छी आई है, उस स्टॉक के बारे में खबर अच्छी आई है तो वो और ऊपर जा सकता है और बाय कर लेते हैं और वहीं पर वो लोग फंस जाते हैं। तो अब इस स्टॉक में बहुत टाइम से मोमेंटम आ गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इस कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा और अब रिजल्ट आ चुका है तो लोग इसमें से निकलने की कोशिश जरूर करेंगे और ये स्टॉक गिर सकता है कल के मार्केट में। तो 756 749 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 770 का लगा के चलना है। पेट्रोनेट एलएनजी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 281 236 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको इसमें 224 का लगा के चलना होगा। स्कॉट्स की बाय करें तो स्कॉट्स को आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी 976, 967, 983 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 953 का लगा के चलना है। और आपको मैं सलाह यही दूंगा, क्योंकि अगर ये 964 तक तो जरूर जाएगा और वह एक हर्डल है जहां से वो शायद नीचे आने की कोशिश करे, वरना वहां पर अपना हाई बनाने की कोशिश करे। अगर 964 पर निकलता है तो आप उसमें बाय पोजिशन बना सकते हैं, और निकलने का मतलब ये नहीं है कि उसे टच कर दिया और आपने बाइंग पोजीशन बना ली, क्योंकि वहां से वो बाउंस बैक दे सकता है नीचे की ओर। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं और आपको कम थोड़ा मुनाफा चाहिए तो आप 964 के ऊपर ही इसमें बाइंग पोजीशन बनाइए, जिससे आप और अच्छे टारगेट्स के ऊपर अचीव कर सकते हैं। और पहले जरूर देखिएगा कि 960 के ऊपर सस्टेनेबली ऊपर जा रहा है कि नहीं है, अगर 2-3 पॉइंट और ऊपर चला भी गया होगा तो आप चिंता मत करिएगा, पर इसे बाय जरूर कर लीजिएगा। इक्विटास की बात करें तो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 150.80 का करंट मार्केट प्राइस है जो इसमें क्लोजिंग दी है। अगर ये 152 के ऊपर जाता है तो हम इसमें और तेजी आते हुए देख सकते हैं। 152 का एक बहुत हर्डल है इसमें जो शायद क्रॉस ना करने की कोशिश करें, तो स्टॉप लॉस इसलिए मैंने आपको बहुत कम सजेस्ट करा, तो 148.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 150 के ऊपर निकलता है तो 158 तक के टारगेट्स आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। अब आते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। तो हम पूरी मार्केट अज्यूम कर रही थी कि एक्सिस बैंक के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, अच्छे की बात करें तो मतलब प्रॉफिट में तो कंपनी रहेगी रहेगी बैंक, पर हमने देखा कि बैंक का रिजल्ट आया और जो बैंक का जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल गया है और 5 से ज़्यादा NPAs इसमें और बढ़ गए हैं। तो ये कंपनी के लिए, बैंक के लिए बहुत बुरी खबर है और अब ये शायद कल 5% तक कभी लोअर सर्किट लगा सकती है। और जिस तरीके से आज हमने इस पे आते हुए तेजी देखी है, लोग जरूर इसमें बेचने की कोशिश करेंगे और ये थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, पर वहां से जरूर गिरेगा और आपको अच्छे खासे लेवल्स आने वाले टाइम में अचीव हो सकते हैं। तो आपको टारगेट जो इसमें मिल सकता है वो 487 469 का, आपको यहाँ 439 शो कर रहा है पर 469 का टारगेट है,
502 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, अच्छे खासे रिटर्न आप इसमें कमा सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि बैंक एक्सिस बैंक गिर सकता है, तो उसकी वजह से शायद बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करे या नीचे खुले। तो अब हमें देखना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है। कल मैं आपको सलाह दूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करिए, उसको क्लोजली फॉलो करिए, और 640 जो 10,640 का लेवल है वो शायद वो क्रॉस नहीं करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 640 से बार बार ये नीचे आ जा रहा है। तो 640 का लेवल क्रॉस करेगा तो हम 750 की बात करेंगे। 640 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आपको टारगेट दिख गए होंगे, आप इसमें कल वॉच कर सकते हैं, पर ट्रेड बिल्कुल ना करिए कल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी को मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी में भी बाय करने की सलाह दी जाएगी। 25,100 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और हर्डल है जिसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए और ऊपर के लेवल्स बनाने के लिए। तो 25,090 का मैं टारगेट दूंगा, 24,870 तक ये जा सकता है या स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी कल रिजल्ट आ सकते हैं, जियो की वजह से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जीएनपी की वजह से भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी का ग्रोथ भी इंक्रीज होने की संभावना है, तो कल वो मार्केट को और ऊपर लेकर जा सकती है। तो वो भी एक आप बाय हो सकता है, आपके लिए बेट हो सकती है कि आप वो स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो मैंने आपको कुल 6 स्टॉक्स ऐसे ही बता दिए हैं, तो आप उसमें ट्रेड लीजिए ना लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं आपको कि ये स्टॉक्स मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ, उसमें आपको मैं ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ओपिनियन अच्छे लगते हैं, आपको ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हैं, अपने रिस्क में प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी मेरे नए व्यूअर्स उस वीडियो को देख रहे हैं उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे ये जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ मार्केट अपडेट के लिए वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। और अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो मेरे साथ जरूर कमेंट में मुझे बताया करिए अगर आपको प्रॉफिट होता है, और कोई स्टॉक्स में अगर आप अटक गए हैं और आपको लंबी अवधि व्यू के लिए चाहिए वो स्टॉक तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उसके बारे में। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।